कराची से एमकेएम लंदन का टारगेट किलर गिरफ्तार। गबोल पार्क से पकड़ा गया इमरान उस्मानी, पुलिस पर फायरिंग, कत्ल और दीगर संगीन वारदातों में मतलूब था। मकबूजा वादी के जिला बडगाम में भारतीय फौज के हाथों मजीद दो कश्मीरी शहीद। काबिज फौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल कर दिया। इलाके में केबल और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल। आवाम की गैस बिल्स में रिलीफ की उम्मीदें दम तोड़ गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैस कीमतों में इजाफे पर यू टर्न से इनकार। शेख रशीद ने आईएमएफ के पास जाना मजबूरी करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान मुल्क की अंदरूनी हालत नहीं जानते थे, 40 बंदों की लाइन है, सब अंदर होंगे, मजीद 20 ट्रेनें चलाना उनका टारगेट है। वजीर रेलवे थल एक्सप्रेस के जरिए रावलपिंडी से मुल्तान रवाना। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने एमपीए रहमतुल्ला के कहने पर 2 करोड़ के फंड जारी किए, रहमतुल्ला को मुलजिम नहीं बनाया। नायब प्रोसिक्यूटर का बयान, आपने असल शख्स को मुलजिम करार दिए बगैर ही केस बना दिया। जज के रिमार्क, केस की समाअत आज फिर होगी। समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल, ठंडी हवाएं, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश, बर्फबारी, पंजाब भर में बादल, 15 से 17 फरवरी तक जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी।